सो फ्रेंड्स, जैसा कि आज देख सकते हैं आप, हमारे पास आज हैंडसेट है एक सैमसंग A125F, और इसी को SM125F भी कहते हैं। और अभी ये हैंडसेट देख सकते हैं, शील्ड वगैरह सारा पैक है, तो ये डेड कंडीशन में है। और अगर बैक साइड की भी अगर बात करूँ मैं, तो एक साइड बैक साइड भी बता देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं इसका MMC, और ये इसका CPU, और यहाँ पे इसका लाइट है। और CPU में देख सकते हैं पेस्ट वगैरह डाला है, ऑलरेडी किसी ने रिवॉल्व कर दिया है। तो ये हैंडसेट अभी डेड कंडीशन में है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको यहाँ पर चार्जर लगाकर बता देता हूँ, चार्जिंग में कुछ एम्पियर लिफ्ट कर रहा है क्या। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चार्जर लगा दिया है और कोई भी एम्पियर लिफ्ट नहीं कर रहा है। और मैंने बैटरी भी कनेक्ट कर दी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो बैटरी कनेक्ट करने पर भी कोई भी एम्पियर यहाँ पे लिफ्ट नहीं कर रहा है। तो डीसी से भी स्विचिंग चेक कर लेंगे एक बार कि डीसी से क्या स्विचिंग ले रहा है। और उसके बाद हम कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पूरा एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आपके पास भी कोई डेड मोबाइल आता है, तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चेक करके उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरह का कनेक्टर इसमें लगता है जो कि बैटरी में है। तो ये उल्टा लगाना है हमको इस तरीके से, बोर्ड को मैंने पलटा लिया है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं डीसी से मैंने कनेक्ट कर लिया है, और अभी इसमें पावर की वगैरह जो होगा, इसमें होगा इसका पावर की का, या ये वाला हो सकता है। देख सकते हैं 0.002 ऐसे ये ले रहा है, लिफ्ट कर रहा है। चलिए फिर से देखते हैं, देख सकते हैं 0.02 ऐसे लिफ्ट कर रहा है। फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार और। तो पावर की, जैसे मैं यहाँ पे पावर की प्रेस करता हूँ, तो देख सकते हैं 0.002 ले रहा है। उसके बाद पावर की रिलीज करने से 1 पे आकर रुक जाता है, मिली एम्पियर से लिफ्ट कर रहा है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल में शॉर्टिंग चेक करनी होती है, और शॉर्टिंग अगर नहीं है तो फिर हम वोल्टेजेस भी चेक करना होता है, तब जा कर के आपका हैंडसेट आगे काम करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हम सबसे पहले कूल टेस्टिंग करते हैं। तो मल्टीमीटर को रख लेते हैं बजर रेंज में, और चलिए चेक करते हैं। पहले बैटरी कनेक्टर पर चेक कर लेंगे। तो इस साइड में देख सकते हैं 509 गैस पर वैल्यू आ रही है, और अगर इसी को मैं फॉरवर्ड में चेक करता हूँ तो ऑयल, कोई बात नहीं। और ये हमारी लाइन ओके है, और 580 लाइन ओपन, यहाँ भी ओपन, और यहाँ पे 740। ये हमारी लाइन सारी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इस साइड में शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। ये हमारी मेन चार्जिंग एसी है, ये VPH कॉइल पे देख सकते हैं 380 के आसपास वैल्यू आ रही है। तो चलिए फटाफट, यहाँ तो कोई शॉर्टिंग नहीं मिली। यूनिट के पास भी देख लेते हैं, यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं। सीपीयू के पास भी देख लेते हैं, यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है।
मतलब यहाँ पर भी कोई शॉर्टेज नहीं। चलिए लाइट और ग्राफिक के पास भी देख लेते हैं। मतलब फ्रेंड्स इस साइड में तो कोई शॉर्टिंग नहीं मिली, पावर के साइड भी हम देखेंगे बट इसमें पत्रा आपको निकालना होगा। तो पावर के साइड देखने से पहले हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं क्या हमारा यहाँ पे VPH का वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो उसके लिए हम फ्लक्स यहाँ पे लगा लेंगे नीचे का पोर्ट टू पोर्ट जो होता है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, PCB को ऐसा घुमा कर रखेंगे पलटा करके और चार्जर लगाएंगे और मल्टीमीटर को रख देंगे DC 20 पे। चलिए DC 20 पर रखते हैं। ये देख सकते हैं चार्जर मैंने इंसर्ट कर दिया है, कोई एम्पियर लिफ्ट नहीं रह रहा है। तो चलिए सबसे पहले 5 वोल्ट हमारा चार्जिंग AC में इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख लेते हैं। तो हमारा जो 5 वोल्ट है यहीं पे इन होता है, देख सकते हैं 5.2 वोल्टेज तो इन हो रहा है। VPH में भी देख सकते हैं 3.6 का वोल्टेज इन हो रहा है। ये भी लाइन ओके है हमारी। देख सकते हैं बूट वोल्टेज भी बन रहा है, तो चार्जिंग ऐसी हमारी ओके है। तो अब हम नेक्स्ट ये देख सकते हैं EMMC के पास VCC VCCQ के वोल्टेजेस, तो एक बार चेक कर लेंगे। अगर EMMC के वोल्टेजेस बनते हैं तो ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, इस साइड में भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई वोल्टेज अभी नहीं बन रहा है, मतलब पावर AC से कोई भी वोल्टेजेस जनरेट नहीं हो रहे हैं। तो हो सकता है इसमें पावर AC का ही फॉल्ट हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक चेक किया स्टेप बाई स्टेप। अभी ये शील्ड को निकालेंगे, शील्ड को निकालेंगे और चेक करेंगे। तो शील्ड को निकालने के लिए पेस्टेड EMMC है, CPU तो हालांकि खुला हुआ है, अगर आप चाहो तो हीट करके भी निकाल सकते हैं या चाहो तो कटर से भी आप इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैसा करना हो, तो चलिए कटर से ही निकाल लेते हैं। उससे पहले मैं एक कैमरे के जो ये होता है इसको बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि अगर हम हीट वगैरह करेंगे तो ये जल जाएगा, पिघल जाएगा, इसलिए इसको निकाल के यहाँ बाजू रख लेते हैं। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसको आहिस्ता से कट करके उठाते हैं। Silence. You've been standing right there all. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं 6357 CRV इसमें लगी है। तो सबसे पहले चार्जर इंजेक्ट करेंगे और इंजेक्ट करके ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे जो वोल्टेजेस है बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और हो सकता है ये वाली लोअर LDO के लिए उन्होंने यूज़ की है। तो चलिए फोल्डर में लगा लेते हैं और सबसे पहले हम वोल्टेजेस चेक करते हैं पावर AC तक वोल्टेजेस हमारे पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। और एक बार हम कोल्ड टेस्टिंग भी कर लेंगे पावर AC के पास कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। उसके लिए मल्टीमीटर को बजर रेंज में रखेंगे और चेक करेंगे फटाफट से।
तो फ्रेंड्स, पावर के पास भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो अभी हम वी बस लाइन कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके देखते हैं कि पावर एसी आउटपुट बना रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग पिन थोड़ा सा डैमेज है। तो मैं अभी डीसी से 5 वोल्ट का एक जम्पर लगाता हूँ कनेक्टर। यहाँ पे हमको ये देखना है कि पावर एसी सही है या नहीं है, पावर एसी वोल्टेजेस बना रही है कि नहीं बना रही है। तो पावर एसी वोल्टेजेस बना रही है कि नहीं बना रही, देखने के लिए वी बस हमको देखना है। तो वी बस उसका हो सकता है ये साइड में, यहाँ पे 5 वोल्ट देंगे और दे करके चेक करेंगे क्या पावर एसी के वोल्टेजेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो उसके लिए इसका टेस्ट पॉइंट होगा, तो वी बस के लिए चार्जर डाटा खोलते हैं। चेक करेंगे अभी, तो यहीं पे है साइड में ही, हमको कनेक्टर पर ही। यहाँ नीचे भी हम जम्पर कर सकते हैं, तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्स लगा लेते हैं। तो चलिए 5 वोल्ट का हम जम्पर दे देते हैं और 5 वोल्ट दे करके चेक करेंगे। ग्राउंड कहीं पे भी दे देंगे, यहाँ पे सेंटर में दे देंगे। और अभी ये देखते हैं कि 5 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ तो 5 वोल्ट आ रहा है, उसके बाद कनेक्टर को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी 5 वोल्ट मिल रहा है। चलिए यहाँ पे वीपीएच चेक कर लेते हैं, वीपीएच का वोल्टेज मिल रहा है। इस कैप पे 1.8 वीआईओ देख सकते हैं, वीआईओ भी बन रहा है। चलिए कॉइल्स पे चेक करते हैं, 2 वोल्ट मतलब हायर एलडीओ होगा, 0.8 0.8, यहाँ पे भी 0.8 और यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं, तो ये एपीटी का वोल्टेज होगा। और यहाँ पे देखते हैं 1.3 कुछ आ रहा है क्या, 1.4 ये भी आ रहा है इस कॉइल के पास, यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है। एसएससी के पास 3.6, तो मतलब फ्रेंड्स वोल्टेजेस तो सारे यहाँ पे अभी बन रहे हैं। और अगर पीछे बैक साइड अगर देखें सीपीयू और यूएमसी के पास, तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। चलिए यूएमसी के पास भी देख लेते हैं, 1.8 2.8 देख सकते हैं, 1.8 तो आ रहा है, यहाँ भी 1.8, यहाँ पे 1.2 रैम का वोल्टेजेस भी मिल रहा है, 0.6 ये भी रैम का वोल्टेज, ये भी रैम के लिए, ये 1.1 ये भी रैम के लिए। तो मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे सीपी के पास भी चेक कर लेते हैं, 1.8 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, देख सकते हैं 1.8, 3 वोल्ट यूएसबी का होगा ये, और 1.8 यहाँ पे भी मिल रहा है। और थोड़ा लाइट एसी के पास भी चेक कर लेते हैं, 4 वोल्ट यहाँ पे ही मिल रहा है,
मतलब फ्रेंड्स वोल्टेजेस तो सारे हमारे अभी जनरेट हो रहे हैं सिर्फ चार्जर लगाने से। तो मतलब पावर एसी बिल्कुल सही है, पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर में कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात ये कि हैंडसेट ऑन क्यों नहीं हो रहे, तो ऑन होने के लिए आपका सीपीयू पोर्ट बनाना होता है और यूएमसी सही होनी होती है। तो हम यहाँ पे अभी चेक करेंगे सीपीयू में फॉल्ट हो सकता है या यूएमसी में भी फॉल्ट हो सकता है। सो फ्रेंड्स पावर सेक्शन हमारा सही है और यहाँ पे जो फॉल्ट लग रहा है सीपीयू और ईएमसी में हीट जाने के कारण ये स्विचिंग वगैरह नहीं ले रहा है, हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, सीपीयू और ईएमसी दोनों को निकालेंगे, अच्छी तरीके से रिवॉल्व करेंगे और वापस लगाएंगे और लगा करके चेक करेंगे कि हमारा हैंडसेट ऑन होता है कि नहीं होता है। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, सारा कुछ हम सारा सर्किट डायग्राम के साथ आपको सिखाएंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखें। Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all alone. Even though it's unspoken so long, I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. Cause I wanna be certain, we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I'm waiting till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, I don't want you going away. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? You want it for us, even though you don't wanna say it. You've been saying it softly with no words. You whisper with your eyes. I'm waiting for you, just waiting for you to give it enough. Give it enough. No, I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. Show me your love, baby. Show me your love. Cause I wanna be certain, we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I'm waiting till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, I don't want you going away. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? Don't you feel the same? Cause I wanna be certain, we don't need to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. Some say I'm waiting till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right.
waiting for a sign. Wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. I don't want you going away. I've been waiting for a sign. Wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? Don't you, yeah. Stupid silence. You've been standing right there all alone, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. Cause I wanna be certain. We don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So sad, I'm waiting till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time. तो चलिए फ्रेंड्स, CPUMC हमने लगा लिया है और अभी एक बार फोल्डर में फिट करेंगे और फोल्डर में फिट करके चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं CPUMC हमने डाल लिया है और अभी यहाँ पर फोल्डर में हम फिट करेंगे डिस्प्ले का जो फ्लक्स है उसको लगा लेंगे। और उसके बाद DC से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला केबल हमने लगाया था पहले, इस तरह का केबल इसमें लगता है। तो यहाँ पे मैंने ये DC कनेक्ट कर लिया है और अभी यहाँ पे मैं पावर की जो है इसके प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे DC में अभी आप देखना, तो यहाँ पे पावर की प्रेस कर लेते हैं। उधर DC में मैं बताना चाहूँगा, देख सकते हैं DC में रीडिंग हमारा ले रहा है, यहाँ से मोबाइल ऑन हो रहा है हमारा। और लाइट वापस से ऑन करते हैं अच्छे से। तो यहाँ से DC से देख लेते हैं ये ऑन होता है या बैटरी से ऑन होगा। तो ये देख सकते हैं DC एक बार बैटरी से ऑन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। हो सकता है DC से ये ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि बैटरी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने वाइब्रेट कर गया है हैंडसेट और अभी पीछे वॉलेट पे देखते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैमसंग A12 अभी ऑन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी सीखने मिली होगी कि ये हैंडसेट जो है DC से ऑन नहीं हो गया है 30-40 मिली एम्पियर लेकर के फिर वो वापस से ज़ीरो कर देगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा काम करके बताया है। CPU और EMMC दोनों को हमने इसमें रिवॉल्व किया है और पूरा हैंडसेट अभी ऑन भी हो जाएगा, देखते हैं। तो इस तरीके से फॉल्ट फाइंडिंग अगर आपको सीखनी है, डेड मोबाइल कैसे रिपेयर करना है स्पेशली डेड फ़ोनों के लिए, दोस्तों फ़ोन फिक्स हैदराबाद जाना जाता है। यहाँ पे आपको एडवांस लेवल पे पूरी ट्रेनिंग देते हैं। देख सकते हैं हैंडसेट हमारा ऑन हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है या फिर आपको बैच के साथ हमारे पास आना है तो ज्वाइन कर सकते हैं फ़ोन फिक्स हैदराबाद। डिस्प्ले पे आपको नंबर दिया गया है, कॉल कर सकते हैं 8639124851। या फिर आपको अगर एक और नंबर है 9000302040। देख सकते हैं मोबाइल हमारा अच्छे से चल रहा है। तो इस तरीके से आपको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर EMMC UFS का काम सीखना है तो ज्वाइन कर सकते हैं फ़ोन फिक्स हैदराबाद। और 15 अप्रैल से हमारा नेक्स्ट बैच है हार्डवेयर का। और अगर से आपको सॉफ्टवेयर और EMMC UFS का अगर काम सीखना है तो ये हमारा बैच लगने वाला है 1 अप्रैल से। अप्रैल 1 से हमारा EMMC UFS चेंज का बैच है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।